ठीक है, तो अभी तक हमने ये सैम्पल एक एप्लीकेशन तो बनाई थी, होपफुली आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। तो अभी हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिडक्स रिडक्स के बारे में है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिडक्स की नीड क्या है, मतलब अगर रिडक्स यूज़ ना करें तो प्रॉब्लम क्या होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम रिडक्स का यूज़ और उसके एडवांटेजेस हैं जो वो देखते हैं, और रिडक्स का जो आर्किटेक्चर कैसे काम करता है उसके बारे में भी देखते हैं, ठीक। तो ये हमारा सिंपल सा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में हमने एक राउट बनाया। इस राउट पे हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि होम पेज हमारा ये रहेगा और नॉर्मल सा, और टू डू एप्लीकेशन की बात करें अगर, तो टू डू पेज के लिए हमें टू डू एप्लीकेशन हो गया, और टू डू एप्लीकेशन हमने यहाँ पे आइटम्स बनाए थे, ठीक है। और इस आइटम्स को हमने क्या पास किया था, यहाँ पे पास किया था, और फिर यहाँ से हम गए यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया, और जैसे ये फंक्शंस हो गए, ये हो गए, फिर हमने इसको वापस यहाँ पे पास किया, ठीक है। तो अगर लेट सपोज ऐसे सोच लोगे तो अभी तो ये सिंपल सा एक एप्लीकेशन है जिसमें सिर्फ एक टू डू पेज ही है जो इम्पोर्टेंट पेज था। उस केस में भी हमें क्या करना पड़ा, हमने तीन तीन जगह से हमने बनाया था। तो हमने यहाँ पे अपना लिस्ट बनाया और इसको हमने थ्री चाइल्ड्स, मतलब थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग चाइल्ड्स में हमने इसको पास किया था, और इसका यहाँ पे कोई यूज़ तो नहीं था, ठीक है। ये यूज़ कहाँ पे हुआ हमारा, एग्जैक्टली हमारा यूज़ हुआ पहले तो टू डू लिस्ट पेज पे, ठीक है, और फिर उसके बाद टू डू पे, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे हमारा यूज़ हुआ। तो अगर ये सिंपल से एप्लीकेशन हमें इस तरीके से नेविगेट करना पड़ रहा है, तो अगर हम कोई बड़ा एप्लीकेशन अगर बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, हमें पता नहीं कितने चाइल्ड टू चाइल्ड टू चाइल्ड या पैर फ्रॉम, मतलब इनर कितने इनर चाइल्ड पे जाके हमें डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस इससे क्या होगा कि हमारा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं कि कंसर्न और सेपरेशन वगैरह लेके चलना चाहिए, ठीक है, तो वो भी इसमें फॉलो नहीं हो रही कि भाई हमारा आइटम जो यूज़ होने वाला है एक्चुअली इटरेट होकर डिटेल्स यहाँ दिखा रहे हैं, और फिर और बाकी जो लिस्ट बनाए हैं हमने वहाँ बनाए हैं, ठीक है। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन जब बनेगी तो ये जो प्रोपगेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे चली जाएगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इसको ईच कंपोनेंट लेवल में कंपोनेंट लेवल वाइज मेंटेन करने के बजाय इसको बाहर मेंटेन कर लेते हैं, एप्लीकेशन वाइज मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। मतलब हमारा एक स्टेट हो जाएगा जो पूरे एप्लीकेशन लेवल पे एक्सेस हो सकेगा, और उसको हम कहीं भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हम इस तरीके से इनर, मतलब फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, फ्रॉम चाइल्ड चाइल्ड टू देयर सब चाइल्ड, फ्रॉम उसके, इतना हमें प्रोपोगेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रिडक्स है, तो रिडक्स के बारे में हम देखते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा ना कि अभी प्रॉब्लम क्या है हमारे एप्लीकेशन में, उसको कैसे रिजॉल्व करने के लिए रिडक्स का यूज़ किया जा सकता है, ठीक। तो रिडक्स, एक मैं पीपीटी खोल देता हूँ। वैसे रिडक्स में तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट जो इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए जो इनिशियल लेवल पे जो ज़रूरी है वो यही है जी, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से काम करता है। तो एक्चुअली जो रिडक्स है वो हमारे फ्लक्स पे डिपेंडेंट है, जो इन्होंने बनाया था फेसबुक वालों ने, उन्होंने फ्लक्स दिया हुआ था। जैसे हमारा एमवीसी आर्किटेक्चर होता है, बट एमवीसी करके कुछ होता नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे एक फ्लक्स आर्किटेक्चर होता है, और रिडक्स जो होता है हमारे सिर्फ फ्लक्स आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, और इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क, ठीक है। ये फ्रेमवर्क नहीं है, जैसे हमारे स्प्रिंग हो गया या हो गया हाइबरनेट हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये फ्रेमवर्क होते हैं। बट फ्लक्स क्या है, फ्लक्स हमारा स्प्रिंग एमवीसी की तरह है, ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। तो ये एक आर्किटेक्चर है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो इस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हमारा एक स्टोर होगा, ये कंपोनेंट और हम जानते थे अभी तक, ठीक है। और कंपोनेंट मतलब होगा कि एक तरीके से अगर मैं नॉर्मल लेमैन में बात करूँ तो यूज़र के लिए यूज़र इंटरफेस जो हो गया वो हमारा कंपोनेंट होता है, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई भी यूज़र एक्शन परफॉर्म करता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, लेट्स कुछ क्लिक करता है या पेज रिफ्रेश करता है या डिलीट बटन पे क्लिक किया, ठीक है,
तो उसमें क्या हुआ कि हम बाहर उससे यूजर एक्शन से रिलेटेड एक ये एक्शन होगा, लेट्स सपोज यूजर क्लिक ऑन दिस बटन, यूजर क्लिक ऑन दैट बटन, या यूजर रिफ्रेश द पेज, इस काइंड का। और हाउ वो एक्शन क्या होगा, एक डिस्पैचर से बाइंड होगा। जब भी कोई एक्शन ट्रिगर होगा तो क्या करता है, डिस्पैचर उसको हैंडल करेगा, और डिस्पैचर ये डिसाइड करेगा कि हमें इस एक्शन से रिलेटेड हमें अपने स्टोर में क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, स्टोर में जो भी चेंजेस करने होंगे उनको चेंज करेगा, और उसको चेंज करने के बाद हमारे स्टोर को क्या करेगा, अपडेट करेगा। और जैसे हमारा स्टोर अपडेट हुआ, तो हमारा स्टोर जैसे अपडेट होगा वो क्या करेगा, हमारे कंपोनेंट को अपडेट कर देगा। ठीक है, देखा, हमने देखा था ना कि हम जैसे ही नया आइटम बना रहे थे, हमारे स्टेट में वैल्यू चेंज हो रही थी, तो नया आइटम अपने आप हमारे कंपोनेंट के अंदर रेंडर हो जा रहा था। तो कुछ इसी तरीके का काम होता है कि ये कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट के अंदर कोई भी यूजर इंटरेक्शन होगा, जो भी वो एक्शन परफॉर्म करेगा, तो एक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। सो एक्शन इज लाइक वनली लाइक द यूजर, व्हाट यूजर इज डूइंग। ओके, सो एवरी एक्शन विल बी हैंडल्ड बाय द डिस्पैचर, एंड डिस्पैचर विल डिसाइड व्हाट व्हाट विल बी द चेंजेस इन द स्टोर, एंड द स्टोर विल रिफ्लेक्ट द चेंजेस ऑन द कंपोनेंट। सो ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर है जो वो फॉलो करता है फ्लक्स हमारा, और इसी आर्किटेक्चर को हम डिजाइन में रख के, मतलब माइंड में रख के, हम अपने रिडक्स का यूज करेंगे। ठीक है, सो चलो ठीक है। तो इससे पहले मैं कुछ आगे स्टार्ट करूं, मैं एक थोड़ा सा रिडक्स के बारे में बता देता हूं कि रिडक्स कैसे काम करता है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मतलब रिडक्स इंटीग्रेट कैसे करते हैं अपनी एप्लीकेशन में। ठीक, तो रिडक्स जो है वो बिल्कुल ही अलग सा एक एप्लीकेशन है, और इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन रिएक्ट। ठीक है, आप रिडक्स को बिना रिएक्ट के भी यूज़ करना चाहो तो दूसरे एप्लीकेशन में भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो, जैसे फ्लटर वगैरह में भी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रिडक्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द रिएक्ट। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारा जो एप्लीकेशन पहले जो बना हुआ था उसको एज इट इज रहने देते हैं। अभी एक सिंपल सा एक एप्लीकेशन, एक डेमो टाइप का बनाते हैं, जिसमें हम लोग रिडक्स कैसे इंटीग्रेट करते हैं अपने एप्लीकेशन में, और वो कैसे काम करता है, वो कैसे चेक, कैसे फ्लो चलता है उसका, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा कंपोनेंट है। अगर मैं यहाँ हटा के देखूँ पता नहीं चलेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने रिडक्स को इंस्टॉल करते हैं। npm install save redux। हमारा रिडक्स इंस्टॉल हो गया। अब रिडक्स के अंदर जो हमारे पास क्रिएट स्टोर करके बनी होती है, ठीक है, तो उसको हम इंपोर्ट करते हैं। ये आ गया, इंपोर्ट क्रिएट स्टोर फ्रॉम रिडक्स। ठीक है, मल्टीपल एक्सपोर्ट जब होता है तो हम इस तरीके से सिंटैक्स यूज करते हैं, सिंगल एक्सपोर्ट के लिए सिंगल इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने क्या किया, क्रिएट स्टोर को एक रिडक्स क्रिएट स्टोर कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, अब हम एक स्टेट बनाते हैं, मतलब तो सॉरी एक स्टोर बनाते हैं, और स्टोर बनाने के लिए हमें जो सबसे रिक्वायर्ड चीज़ होती है वो होती है रिड्यूसर। तो एक हम रिड्यूसर भी बनाते हैं। तो रिड्यूसर इज लेट सपोज इज नॉट इज नॉर्मल एक फंक्शन, ये हो गया हमारा रिड्यूसर। ठीक है, और हम अपने स्टोर को बनाते हैं। स्टोर को बनाने के लिए क्या लिखते हैं, कॉन्स्ट स्टोर, और जाएगा ये क्रिएट स्टोर, और क्रिएट स्टोर में अपना रिड्यूसर पास करते हैं, रिड्यूसर, और हम क्या पास करते हैं, इसके बाद जो पास करते हैं हमारा इनिशियल स्टेट होता है। तो ये देखो यहाँ पे लिख के आ गया प्री लोडेड स्टेट। प्री लोडेड स्टेट का मतलब इनिशियल स्टेट, कि इनिशियल स्टेट में हमारे वैल्यू क्या क्या रहेगी। तो आप चाहो तो सिंगल आर्गुमेंट भी रख सकते हो, लेट सपोज मैं अभी क्या रख देता हूँ, जीरो रख देता हूँ। क्योंकि प्री लोडेड स्टेट में क्या रहेगा, जीरो। अगर मैं सिंपल प्लस एंड माइनस, मतलब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा,
मैं प्रीलोडेड स्टेट को यूज करूंगा, ठीक है। और अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट मल्टीपल डेटा रखनी है तो इट विल बी बेटर इफ यू वी यूज दी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट यूज करने से क्या होगा, हमारा इजी टू मैनेज हो जाएगा और इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी रख सकते हैं और आइडेंटिफाई करना भी आसान होता है। रखने को हम जैसे लिस्ट भी रख सकते थे इसमें, बट लिस्ट में क्या होगा, फिर आपको सिंगल टाइप के वो मिल जाएंगे, या मतलब मल्टीपल टाइप के रख सकते हो, पर क्या होंगे वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इट विल बी बेटर टू यूज ऑब्जेक्ट, आप चाहे जो भी का यूज कर सकते हो। तो हमारे इनिशियल लेवल पे क्या होगा, हमारा जो स्टेट होगी वो ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ये हमारा, ठीक है। इसमें भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस स्टोर को काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्टोर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लेते हैं कि जब भी कोई स्टोर में हमारे चेंजेस हो तो वो चेंजेस हमें चेक करने हैं कि क्या चेंज हुआ है, ठीक है। जब भी हमारे स्टोर में कुछ चेंज हो हमें ये चेक करना है कि क्या चेंज हुआ है। तो हम लोग लेते हैं कंसोल लगा के देखते हैं, कंसोल कंसोल डॉट लॉग स्टेट हैज बीन चेंज, ठीक है। और क्या चेंज हुआ है हम वो भी चेक कर लेते हैं, स्टोर डॉट गेट स्टेट, ठीक। तो जो भी हमारे स्टोर में चेंज हुआ होगा और जो भी चेंज होने के बाद हमारा नया स्टेट बना स्टोर बना होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अपने स्टोर में चेंज करते हैं। तो स्टोर में हमने क्या बोला था, स्टोर में कौन चेंज करेगा, स्टोर में चेंज करेगा हमारा डिस्पैचर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्पैचर को फाइंड करना पड़ेगा, स्टोर डॉट डिस्पैच, ठीक है। अब डिस्पैच में क्या होता है, हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। इस ऑब्जेक्ट में पहला लेट सपोज हम रख देते हैं टाइप, और इसका कुछ भी टाइप दे सकते हैं। लेट सपोज हमने दे दिया इंक्रीमेंट, या कुछ भी आप दे सकते हो, या लिख देते हैं ऐड, ठीक है। और उसके बाद एक दूसरा ऑब्जेक्ट में दूसरी वैल्यू देते हैं, पेलोड या एड बाई करके दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो लेट सपोज रख देते हैं वैल्यू, रख देते हैं हमने वैल्यू रख दी 10, ठीक। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने स्टोर को बता रहे हैं कि भाई एक एक्शन आएगा ऐड नाम से और उसमें वैल्यू होगी 10, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम अपना ये रिड्यूसर हमने जो बना हुआ है ये हमारा यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं जिसको हैंडल करेगा। तो इसको ठीक है, एक मिनट रुको, मेरे पास एक कॉल आ रही है। ठीक है, तो हाँ कहाँ थे, हाँ। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने एक डिस्पैच बना दिया। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, कंडीशंस लिखते हैं, इफ कंडीशन लिख दिया। लेकिन कंडीशन लिखने से पहले क्या होगा, अगर इनिशियल लेवल पर अगर हम इसको रन कराते हैं सब इस एप्लीकेशन को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें अनडिफाइंड मिलेगा, स्टोर स्टोर हैज बिन चेंज बट स्टोर गेट दैट अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड क्यों आएगा, क्योंकि हमने क्या किया कि हमने ये जो हमारा रिड्यूसर है, हमने यहाँ से कोई स्टोर जो कोई स्टेट जो थी हमारी स्टोर की वो हमने रिटर्न नहीं की है, ठीक है। तो एवरी टाइम इट विल गेट अनडिफाइंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार क्या करना पड़ेगा, जो भी नया स्टेट है हमारे स्टोर का वो हमें रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक। तो इनिशियल लेवल में हमारे पास कोई स्टोर में कोई स्टोर में कोई स्टेट तो है नहीं, हमारे क्या ब्लैंक है। तो अगर हम यहाँ से अगर हम रिटर्न ब्लैंक कर देते हैं या रिटर्न फू भी कर देते हैं, तो क्या होगा, हर बार जब भी हमारे स्टेट में वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, तो हमने यहाँ से रिटर्न फू किया तो हर बार इसको यहाँ पे क्या मिलेगा, फू मिलेगा। बट एक्चुअली हमें रिटर्न क्या करना चाहिए, हमारा जो नया स्टेट जो हमारा क्रिएट हुआ है नया, या फिर हमने स्टेट में जो भी चेंजेस किए हैं हमें वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पुराना वाला जो स्टोर था उसको गेट करना पड़ेगा, उसमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम फंक्शन के अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट में मिलते हैं, पहला आर्गुमेंट मिलता है स्टेट और दूसरा आर्गुमेंट जो हमको मिलता है वो मिलता है एक्शन, ठीक है। तो ये दो हमें मिलते हैं, स्टेट और एक्शन। तो हमें क्या करना है, हमारा जो स्टेट है अब हमें सिर्फ अपनी स्टेट रिटर्न करनी है। तो इन दिस केस अगर आप इसको रन कर रखते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, ये जो स्टेट में जो वैल्यू होगी, स्टेट में जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। फॉर आवर केस दिट इज अ एम्प्टी ऑब्जेक्ट, तो हमें यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट अगर हम कुछ रख देते हैं, लेट्स सपोज यूजर नेम रख देते हैं या कुछ भी रख देते हैं, तो हमें फिर वो मिल जाएगा, ठीक।
अब हमें क्या करना है, अपने कंडीशन के बेसिस पे, लेट सपोज हमने यहाँ पे क्या रख लिया हुआ है, इंक्रीमेंट करने के लिए 0 रख लिया हुआ है, और हम क्या करते हैं, ये हमारा जो टाइप जा रहा है इसके बेसिस पे हम कंडीशन लगाएंगे, और अगर कंडीशन में ऐड है तो हम अपने स्टेट में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जितना भी वैल्यू होगा उतना प्लस करेंगे, और अगर वो माइनस में है तो जितना हमारे पास माइनस में वैल्यू है उतना हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम इसका कंडीशन लगाते हैं, सिंपल सा है, इफ एक्शन डॉट टाइप, ठीक है, इक्वल्स ऐड है, तो हमें क्या करना है कि स्टेट में रिटर्न करना है स्टेट स्टेट प्लस इक्वल्स एक्शन डॉट क्या रखा था हमने, वैल्यू वैल्यू, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे यहाँ पे डिस्पैच हुआ, ये एक्शन ये रिड्यूसर के पास आया, इसने चेक किया स्टेट में क्या है, एक्शन में क्या है, एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट टाइप में क्या है, ऐड है, ठीक है, और वैल्यू में जो होगा वो वैल्यू क्या करेगा, वो स्टेट में ऐड कर देगा, ठीक। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, स्टेट रिटर्न करा लेते हैं, ठीक है। अब ये इजी टू अंडरस्टैंड हो गया। सिमिलरली हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ एक्शन डॉट टाइप, माइनस लिख दिया हमने, माइनस है अगर तो हमें क्या करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ प्लस लाइन हमारा हो जाएगा माइनस, ठीक है। और हम यहाँ पे एक और डिस्पैचर लगा लेते हैं, डिस्पैच माइनस, और इसको रख देते हैं 5, ठीक है। तो अगर ये अगर हमारा ये फाइल अगर हमारी रन करेगी तो होगा क्या, पहले हमने अपना रिड्यूसर में फंक्शन बना लिया, ठीक है, और हमने उसके अंदर कंडीशन लगा ली कि अगर एक्शन टाइप ऐड हो तो क्या करना है, माइनस हो तो क्या करना है, हमने अपना एक स्टोर बना लिया, और हमने स्टोर में सब्सक्राइब कर लिया कि जब भी कोई चेंजेस हो तो हम यहाँ पे प्रिंट हमें दिखाने हैं क्या चेंजेस हुए हैं, और फिर हम डिस्पैच का यूज करके क्या कर रहे हैं अपने जो हमें डिस्पैचर डिसाइड करेगा क्या करना है हमें, तो हमें क्या करना है, टाइप माइनस करना है, और वैल्यू 5 हो गई थी, हमारे रिड्यूसर के पास जाएगा, और रिड्यूसर क्या करेगा, चेक करेगा, अच्छा टाइप में ऐड आया था और वैल्यू ये थी, तो स्टेट में ये वैल्यू चेंज करो और स्टेट को अपडेट करके रिटर्न कर दो, और अगर हम कुछ भी नहीं होता, टाइप से मैच नहीं करता है, तो हमें अपना जो जो हमें स्टेट यहाँ से मिला वही स्टेट हमें यहाँ से क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है रिडक्स का, इसमें और भी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब ऐसे आप बहुत से डिस्पैचर्स वगैरह लगा के हम टेस्ट कर सकते हैं, और मल्टीपल, अब क्या हुआ, तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल हो गया कि कैसे बनाते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनानी हो तो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर ये जो टाइप है और ये जो वैल्यू है, इसमें जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बट ये जो टाइप है ये कांस्टेंट है, ये आपको टाइप ही लेना होगा। अगर मैं टाइप पे जाए कुछ और कमांड लिख देता हूँ, जैसे मैं टाइप में कुछ भी मिस्टेक कर दूँ तो ये हमारा रिड्यूसर है उसको उसको हैंडल नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको हमेशा एक्शन में उसको टाइप ही चाहिए होता है जिसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, बाकी वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ये सिंगल वैल्यू हो, या फिर हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट हो, या हो सकता है आपका कोई एरे लिस्ट हो, एरे हो, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, बट ये जो टाइप है वो हमारा क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि ये जो टाइप है फिक्स हो। और एक एक प्रॉब्लम इसमें और है कि जैसे हमने क्या लिखा, ऐड लिखा हुआ है, लेट सपोज हमारे पास मल्टीपल रिड्यूसर है, ठीक है, एग्जाम्पल है मल्टीपल, अभी मैं कैसे बनाते हैं वो दिखा दूंगा, ये हमारे पास अगर मल्टीपल रिड्यूसर है और आपने दोनों में कंडीशन लगा रखी है ऐड की इस तरीके से, और अगर आप ऐसे ऐड ट्रिगर करोगे, दोनों जितने भी वहाँ पे हमारे ड्यूटीचर होंगे जिनमें कंडीशन लगी होगी वो सारे के सारे उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। एक तरीके से इसको बोला कि ब्रॉडकास्टिंग टाइप की होती है, और जिसको जिसको वो टाइप मिलता है वो उसको क्या करता है, हैंडल करता है।
तो हमें इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमने यहाँ पे जो टाइप में जो वैल्यू दी हुई है, हमने टाइप में जो ये वैल्यू टाइप में हमने जो ये वैल्यू दी हुई है वो क्या होनी चाहिए, वो यूनिक होनी चाहिए ताकि हमारा ये यूनिक एक्शन जो है वो परफॉर्म हो। ठीक, तो यही करते हैं। अब हम जाते हैं कि अब हम जाते हैं और मल्टीपल रिड्यूसर्स बनाते हैं। ठीक, अभी हमने एक रिड्यूसर बनाया था, तो लेट सपोज हमने क्या मल्टीपल रिड्यूसर बनाने हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। एक रिड्यूसर बनाता हूँ, कॉन्स्ट यूजर रिड्यूसर, सेम रहेगा हमारा फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हमारे एक सेकेंड में इसको कमिट कर देता हूँ। तो मैं इसको कमिट कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पे अपना मल्टीपल इसी को मैं रीनेम कर देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ यूजर रिड्यूसर से। ठीक, और यूजर रिड्यूसर में क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ चेंज नेम। ठीक है, यहाँ हो जाएगा चेंज एज। ठीक, एक और रिड्यूसर बनाते हैं, सेम हमें स्टेट यहाँ मिलेगी, स्टेट मिल गया और एक्शन मिल गया, और हमें स्टेट में कनेक्शन लगा देते हैं, इफ एक्शन डॉट टाइप एड आइटम। ठीक है, अभी ऐसे सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, एड आइटम, और दूसरा हो जाएगा इफ एक्शन डॉट टाइप टाइप रिमूव आइटम। ठीक है, एल्स में हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें अपना स्टेट जो है वो ऐसे एज इट इज रिटर्न करना होगा। ठीक है, कि हमने दो रिड्यूसर बना लिए, एक में हमारा यूजर से रिलेटेड होगा और इसको हम चेंज कर देते हैं, अभी कैसा करना है इसको डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, हमने एम्प्टी लिस्ट बना ली है, अब हम इसको क्या करते हैं अपने रिड्यूसर को देते हैं। तो हमारे पास एक कंबाइंड रिड्यूसर करके आता है, कंबाइंड रिड्यूसर्स करके आता है रिडक्स में, हम उसका यूज करेंगे, कॉन्स्ट रिड्यूसर और कंबाइंड रिड्यूसर, और कंबाइंड रिड्यूसर में अपना एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, उस ऑब्जेक्ट में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा रिड्यूसर क्या काम करेगा। लेट सपोज यूजर का रिड्यूसर क्या करेगा, यूजर रिड्यूसर, और टू डू को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या हो गया, टू डू रिड्यूसर हो गया। ठीक है, और हम यही रिड्यूसर अपना यहाँ पे क्या करेंगे, अपने स्टोर को देंगे। ठीक है, तो अब हमारे स्टोर में इसको हटा देते हैं या इसको भी पास इसको यूज कर लेंगे अभी। अब हमारे स्टोर में दो रिड्यूसर हो गए, यूजर रिड्यूसर होगा, टू डू रिड्यूसर हो गया, और यूजर यूजर से रिलेटेड जो भी काम होगा उसको हैंडल करेगा हमारा यूजर रिड्यूसर, और टू डू से रिलेटेड जो काम होगा उसको हैंडल करेगा हमारा टू डू रिड्यूसर। ठीक है, तो अब हमारे पास अभी ऐड तो है नहीं, हमने लिसनर लगा रखा है कि भाई हमें लिसनर लगा रखा है स्टोर के ऊपर, जब भी कोई चेंज होगा तो ये हमारा चलेगा। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये हमारा जो डिस्पैच है इसमें हम अपने आइटम से रिलेटेड काम करेंगे, चेंज नेम हो गया, ये क्या होगा हमारा चेंज नेम होगा, उसके बाद कौन सा है चेंज एज होगा, ये हो गया हमारा चेंज एज। सिमिलरली हम अपने क्या करेंगे, अपने टू डू रिड्यूसर के भी लगा सकते हैं, तो कॉपी करके दो पेस्ट और कर लेते हैं। ठीक, एक हो गया हमारा
एड आइटम, एड आइटम, और दूसरा हो गया हमारा रिमूव आइटम, हो गया रिमूव आइटम, ठीक, सिंपल सा। और हम क्या करेंगे, जब भी चेंज नेम में होगा तो जो नेम होगा हमें वो पास करना है कि नेम क्या है, ठीक है, तो नेम लेट सपोज हो गया यूजर, ठीक है। और चेंज एज में क्या होगा, हम एज एज देना होगा, एज दे देते हैं, लेट सपोज हम दे देते हैं 30, ठीक। ऐड आइटम में क्या करना पड़ेगा, हमारे केस में क्या था, ऐड आइटम, ऐड आइटम करने के लिए हमारे पास न्यू आइटम देना पड़ता था, न्यू आइटम क्या होता था, हमारा ऑब्जेक्ट होता था जिसमें हम लोग वो टाइटल्स वगैरह और इज कंप्लीट वगैरह करके रखते थे, ठीक। और रिमूव आइटम के केस में क्या करना पड़ता था, रिमूव आइटम के केस में हमें जो आइटम रिमूव करनी है वो देते थे, ठीक है, या फिर तो हम क्या करते थे, आइटम की आई डी दे देते थे, लेट सपोज हम क्या लिख देते हैं, जो आइटम हमें रिमूव करना है हमने उसकी आई डी दे, ठीक है। और हम अपने इसी तरीके से अपने कंडीशंस को लिखेंगे, चेंज नेम में जाते हैं, और चेंज नेम में क्या केस में क्या लिखते हैं कि स्टेट, और ठीक है, एक चीज और मैं बता देता हूँ, अभी क्या हुआ, हमारा जो प्री लोडेड स्टेट था वो हमारा जीरो था, ठीक है, अब प्री लोडेड स्टेट हमारा जीरो तो होगा नहीं, इसको अभी क्या रख देते हैं, ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक। और इनके जो अब बाकी ये यूजर रिड्यूसर का जो स्टेट है अभी तो ब्लैंक है, लेकिन यूजर रिड्यूसर का स्टेट क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए था जिसमें हमारे पास क्या होगा, अभी के लिए सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारा उसमें होगा एक यूजर का ऑब्जेक्ट होगा जिसमें एज होगा और नेम होगा, तो इसको यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं, ये ES6 का ये है सिंटैक्स है, आप यहीं पे डिफाइन कर सकते हो, जैसे हमारे पास जावा में होता है क्या क्या लिखते हैं जावा में, ऐसो डिफॉल्ट आर्गुमेंट बोलते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया एज, एज होगी हमारी 0, ठीक। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज हो गया विथ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक। सिमिलरली अपने स्टेट के केस, इसके टू डू के केस में करते हैं, ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी, ठीक। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब हमारा चेंज नेम आएगा तो हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट नेम में क्या करेंगे, जो नेम आया होगा वो एक्शन डॉट नेम, ठीक है, और इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, हमने स्टेट में चेंज नेम करके हमारे पास आया टाइप, टाइप मैंने चेक किया चेंज नेम है, तो स्टेट डॉट नेम में क्या किया, एक्शन जो हमारे पास नेम आया होगा एक्शन में वो नेम हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया। सिमिलरली हमारा केस क्या होगा, एज के लिए भी होगा, तो एज के लिए क्या लिख देंगे, एज, और हमारे पास जो एज आएगी, और फिर हमने यहाँ से अपना रिटर्न स्टेट करा दिया। और किसी भी टाइप का नहीं होगा, लेट सपोज किसी ने कुछ और पास कर दिया, लेट सपोज किसी ने पास कर दिया चेंज फर्स्ट नेम या चेंज एड्रेस, लेकिन आपने यहाँ पे हैंडल नहीं किया हुआ है तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट वो क्या रहेगा, स्टेट ही रिटर्न होगा, ठीक है। तो इससे ये फायदा, अभी फायदा तो नहीं समझ में आ रहा होगा ये कैसे काम कर रहा है, ये समझ में आ रहा होगा, अभी जो हमारा टू डू एप्लीकेशन है उसमें हम इस इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, और इसमें हम चला के देखेंगे हमें क्या एडवांटेज मिला इसका, ठीक है। अब हमें पैरेंट लेवल पे नहीं बनाना पड़ेगा, हम डायरेक्टली यहाँ से इस मेथड को कॉल करेंगे, बाकी हमारा सारा काम वो अपने आप हैंडल कर लेगा। टू में अभी कभी आगे अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी बस ये समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट चलता कैसे है, कि हमें कैसे रिड्यूसर बनाते हैं, कैसे स्टोर बनाते हैं, उसको कैसे सब्सक्राइब करते हैं, बाकी डिस्पैचर हमारा डिस्पैच करेगा, एक्शन डिस्पैच करेगा, और रिड्यूसर उसको हैंडल करके जो भी चेंजेस करने होंगे वो चेंजेस करेगा, ठीक। तो अभी अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन कराऊं तो इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि हमने यहाँ पे जो हमारा स्टेट है हमने उसको क्या किया, उस स्टेट के अंदर डायरेक्ट मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक। तो ये जो एक्चुअली होता है ये म्यूटेट होता है, तो म्यूटेट होने का मीन्स क्या है कि जैसे हमने नेम में अगर मैं इसको पहली बार यहाँ पे एप्लीकेशन रन करा इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, नेम में वैल्यू हो जाएगी विजय, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कराया था, हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए था, नेम में वैल्यू हो जाएगी विजय, विजय, और एज में क्या हो जाएगा 30, ठीक। बट जब आप एप्लीकेशन को रन कराओगे ना तो आपको यहाँ पे भी 30 दिखेगा,
ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये आपको नॉर्मल जेएस में भी रन करा होगा तो वहाँ मिल जाएगा। जब भी ऑब्जेक्ट आप चेंज करोगे क्या करेगा, उसके पहले भी जहाँ प्रिंट हुआ रहेगा उसको भी क्या करता है वो चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, तो एक्चुअली हमें जो स्टेट है हमें उसको म्यूटेट नहीं करना होता है, हमें क्या करना पड़ता है, हर बार एक नया स्टेट क्रिएट करना होता है और उस स्टेट को हम रिटर्न करते हैं। मतलब हमें स्टेट अपडेट करनी है ना कि म्यूटेट करनी है। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं, तो सिंपल सा है, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और कॉन्स्ट न्यू स्टेट, और ये हो जाएगा स्टेट। ठीक, और न्यू स्टेट के अंदर क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे, न्यू स्टेट डॉट नेम में एक्शन डॉट नेम आ जाएगा, और यहाँ से रिटर्न क्या कर देंगे, न्यू, सॉरी, यहाँ से रिटर्न कर देंगे न्यू स्टेट। ठीक है, सिमिलरली हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा न्यू स्टेट, और न्यू स्टेट डॉट एज में एक्शन डॉट एज, यहाँ से न्यू स्टेट रिटर्न जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बट इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीके से अगर हम करें, इसका शॉर्ट तरीका सिंपल सा है कि हमने स्टेट में क्या कर दिया, जो हमारा स्टेट था पहले उसको एज इट इज ले लिया। ठीक है, और अब जो वैल्यू चेंज करनी है वो वैल्यू हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। नेम में क्या आ जाएगा, एक्शन डॉट नेम आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली काम क्या करता है, पहले स्टेट में क्या होगा, जो भी स्टेट की वैल्यू होगी वो आ जाएगी, और उसके बाद फिर क्या होगा, हम नेम की वैल्यू चेंज कर दी। ठीक है, ये आपको पहले लिखना पड़ेगा। अब ये बाद में, इसके बाद लिखोगे तो ये नहीं चलेगा, ये पहले आता है कि ये हमारा पहले जो हमारा जो एक्चुअल स्टेट उसको एज इट इज कॉपी कर दो, और ये वैल्यू है जो वैल्यू हमें करनी है, क्या करनी है, चेंज करनी है। तो सिमिलरली हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या चेंज हो जाएगा, एज, एज चेंज हो जाएगा, एक्शन डॉट एज आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो बहुत अच्छा सा हुआ। अब इसमें फायदा हमें एक और भी होगा, हो सकता है क्या कि हम चाहें तो इस रिड्यूसर को अपने किसी दूसरे जगह उठा के कॉपी पे, मतलब दूसरे सेपरेट अलग फाइल में रख सकते हैं ताकि हम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो सिंपल सा अगर चाहो तो यहाँ पे एक बना लेते हैं डायरेक्टरी, उसको बोल देते हैं रिड्यूसर्स। ठीक है, और अपने कौन से रिड्यूसर को क्या करते हैं, वेक्टर कल के, और यहाँ एक्सट्रैक्ट मेथड करते हैं, कुछ नहीं करना है इसको, रिड्यूसर को यहाँ से कट करते हैं और एक यहाँ जाते हैं और फाइल बनाते हैं, यूजर रिड्यूसर, यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसको क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर रिड्यूसर। ठीक है, अपने यूजर रिड्यूसर को क्या करते हैं, हमने एक्सपोर्ट कर दिया, और यहाँ से हम क्या क्या करते हैं, यूजर रिड्यूसर को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट यूजर रिड्यूसर फ्रॉम यूजर रिड्यूसर। सिमिलरली हम अपने क्या कर सकते हैं, टू डू रिड्यूसर को भी कर सकते हैं, टू डू रिड्यूसर, अभी फाइल हमने बनाई नहीं है, बना लेंगे अभी, मैं बना लेते हैं सिंपल सा रिड्यूसर, और ये हो गया टू डू रिड्यूसर डॉट जे एस। इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, ये रिड्यूसर आ जाएगा। ठीक, और इसको भी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू रिड्यूसर। ठीक, तो अब हमने हमारा यूजर रिड्यूसर को अलग रख लिया, टू डू रिड्यूसर को अलग रख लिया। अब हमारे पास क्या हो गया, एक रिड्यूसर ये बन गया। अब चाहो तो स्टोर को भी यहाँ से हटा सकते हो, जो डिस्पैच वगैरह लिखे हैं इसको भी चाहो तो हटा के किसी दूसरे सेपरेट फाइल में रख सकते हो। तो देखो काफी इजी टू अंडरस्टैंड हो गया हमारा एप्लीकेशन, सिंपल सा यूजर रिड्यूसर हो गया इस तरीके से, ये रिड्यूसर।